हेलो गाइस, स्वागत है आपको सभी का मेरी आज नई वीडियो में। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप यूजर हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। अगर एक व्हाट्सएप यूजर हो तो मैं आपको ऐसी 5 ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। हाँ जी, तो जैसे कि आप व्हाट्सएप चलाते हो तो आपका चैट कोई पढ़ तो नहीं रहा, या आपका मैसेज या कॉल कोई देख तो नहीं रहा। मैं आज की वीडियो में आपको सारी सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ बारीकी से। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना। चैनल पर पहली बार आया तो ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो का नोटिफिकेशन बेल पर ना भूलिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप देख सकते हैं कि आपकी व्हाट्सएप चैट कोई पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। मैं आपको पांच सेटिंग ऐसी खूफिया सेटिंग बताऊंगा व्हाट्सएप की जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। जो सबसे एंड वाली ट्रिक है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जिसे आप बंद रखेंगे तो आपका कोई भी चैट व्हाट्सएप का कोई भी नहीं पढ़ सकता। मैं आपको इसी के बारे में आज बात बताने वाला हूँ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। हेलो गाइस, फाइनली हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको बताने वाले हैं व्हाट्सएप की बहुत खूफिया राज जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अपना व्हाट्सएप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल जैसे ही आप करोगे तो आपके सामने ओपन करना है, फिर आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस जो है ओपन हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि 3 डॉट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो सबसे नंबर 1 टॉपिक आता है लिंक्ड वीडियो पर आपको डिवाइस पर क्लिक करना है। जैसे कि अगर लिंक डिवाइस अगर आपका ये यहाँ पे ऐसा लिख कर आ रहा है तो आपका व्हाट्सएप हैक नहीं है। और यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन होता है कि विंडो लिख कर आता है नीचे, यहाँ पे कॉर्नर पर विंडो लिख कर आएगा तो आपका जो है वेब विंडो लिख कर आता है, तो आपको व्हाट्सएप जो किसी ने हैक कर लिया और वो आपकी चैट को देख रहा है। तो जैसे कि अब मैंने भी वो सेटिंग बंद कर रखी है, तो इसलिए मेरा जो व्हाट्सएप है कोई नहीं, व्हाट्सएप की चैट जो कोई नहीं देख सकता। तो ये हमारा नंबर 1 टॉपिक हो गया। अब हम नंबर 2 की बात करते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको क्या करना है कि 3 डॉट पर क्लिक करना है, फिर सेटिंग वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको करना है चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देखो अचीव चैट आता है यहाँ पे लिख के। तो आपको ये इस वाले जैसे मैंने अब ऑफ कर दिया, तो इसे कोई भी हमारा जो है कोई भी चैट हमारी व्हाट्सएप की जो नहीं पढ़ सकता। और जिसे आप ऑन रखते हो तो हमारी चैट जो अन्यथा कोई भी हमारी चैट और व्हाट्सएप डिटेल्स वगैरह कोई भी मंगा सकता है और देख सकता है हमारे फ़ोन पर। तो इसको आपको क्या करना है कि बंद रखना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बात करते हैं 3rd टॉपिक पर। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो यह नंबर 3rd टॉपिक जो है, ये चैट्स वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एंटर इन सेंड वाला ऑप्शन है, ये वाला। ये आपको जो है जैसे ही आप ऑन कर दोगे तो आपके व्हाट्सएप के साथ जो भी छेड़छाड़ी होगी वो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपका व्हाट्सएप जो है कोई चला रहा है, ये छेड़छाड़ी कर रहा है। तो इसको आपको ऑन रखना है जिससे कि आपको पता लग जाए कि हमारे व्हाट्सएप में किसने छेड़छाड़ी करी है। तो आप नंबर 4th पे हम जो आना चाहते हैं, जो आपको समझाना चाहते हैं, नंबर लास्ट जो है नेक्स्ट नंबर वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है आज के लिए। तो आपको क्या करना है कि अकाउंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे नंबर 1 पर लिख रहा है सिक्योरिटी नोटिफिकेशन और 2-स्टेप वेरिफिकेशन, चेंज नंबर, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डिलीट माई अकाउंट। तो यहाँ से आप व्हाट्सएप को भी डिलीट भी कर सकते हैं, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन है, और यहाँ पर चेंज नंबर को भी आप चेंज कर सकते हो व्हाट्सएप नंबर को भी। और आपको फाइनली मैं जिस ट्रिक के बारे में बताना चाह रहा हूँ फाइनली, तो वो है 2-स्टेप वेरिफिकेशन। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको क्या है, इसे टर्न ऑन कर देना है। जैसे ही आप टर्न ऑन करोगे तो यहाँ पर जो आपका 6 डिजिट का पिन नंबर मांगेगा जो कि आपको यहाँ पर डाल दे।